दोस्तों, जब व्यक्ति सपने में स्वयं को अथवा किसी और को रोते हुए देखता है तो वह बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि रोना अमूमन अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सपने में रोना उसके लिए बहुत सारे फायदे लेकर आ सकता है, उसे बहुत सारे लाभ दिला सकता है। वहीं सपने में कुछ किसी कारण से रोना उसे अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में रोने के अनेक फल होते हैं। व्यक्ति किस प्रकार से रो रहा है और कहाँ रो रहा है, इसका भी विचार किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सपने में स्वयं को रोते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपका कोई आर्थिक कार्य होने वाला है अथवा आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है, यह सपना आपके लिए शुभ होता है। दोस्तों, सपने में स्वयं को रोते हुए देखना बहुत ही लाभदायक होता है और आपकी कोई मनोइच्छा अवश्य पूरी हो सकती है। वहीं दोस्तों, अगर आप सपने में किसी छोटी बच्ची को रोते हुए देखती हैं तो यह सपना आपके लिए शुभ नहीं होता है, यह एक अशुभ स्वप्न होता है। इसका अर्थ है कि शीघ्र ही आपके जीवन में कोई आर्थिक संकट आ सकता है अथवा आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है, आपके परिवार पर कोई विपत्ति आ सकती है, आपके जीवन में कोई ना कोई संकट आ सकता है। इसलिए आप सावधान हो जाइए और सावधान होकर उस संकट के लिए आप स्वयं को तैयार कर लीजिए। वहीं दोस्तों, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपने सपने में रोते हुए देखते हैं कि आपके सपने में कोई और व्यक्ति रो रहा है, तो यह सपना भी एक शुभ स्वप्न होता है। इसका अर्थ होता है कि शीघ्र ही आपके जीवन में सुख शांति आएगी। अगर आप किसी कार्य से परेशान चल रहे हैं, विचलित चल रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका वह कार्य समाप्त हो जाएगा, वह आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी, आपके जीवन में सुख शांति फैलने लगेगी। दोस्तों, अगर आप किसी की मृत्यु पर स्वयं को रोता हुआ देखते हैं तो यह सपना भी आपके लिए बहुत शुभ होता है। दोस्तों, इसका एक अर्थ तो यह होता है कि आप जिसकी मृत्यु पर रो रहे हैं उस व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है, और इसके अलावा यह आपके लिए भी शुभ होता है, यह आपके लिए आर्थिक समस्याओं को दूर करने का एक कारण बनता है। दोस्तों, आपके जीवन में अगर आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो शीघ्र ही किसी न किसी की सहायता से वे आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, अगर किसी और के साथ आप स्वयं को सपने में रोते हुए देख रहे हैं कि आप तो रो ही रहे हैं, साथ में कोई और भी रो रहा है, या आप किसी और के साथ में स्वयं को रोते हुए देखते हैं, तो यह सपना भी एक शुभ स्वप्न माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में शीघ्र ही कोई बड़ा बदलाव होने वाला है और आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है, आपकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। वहीं दोस्तों, अगर आप अपने सपने में स्वयं को जोर जोर से यानी कि चिल्लाते हुए रोते हुए देखते हैं तो यह एक अशुभ स्वप्न होता है। इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में अभी कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ी परेशानी आपके जीवन में आने वाली है।